सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे घायल हैं। बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच है। हादसा रविवार की सुबह करीब 10 बजे हुआ। यह हादसा रहली विधानसभा के शाहपुर नगर में हुआ। आपको बता दें कि शाहपुर में हरदौल मंदिर के पास शिव पटेल नाम के व्यक्ति द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा था। कथा 2 जुलाई से चल रही थी। रविवार को सुबह से कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा था। छुट्टी का दिन होने के कारण बच्चे भी बड़ी संख्या में आए थे। इस दौरान अचानक 50 साल पुराने कच्चे मकान की दीवार गिर पड़ी। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और जर्जर भवनों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, और अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करेंगे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हादसे के पहले नगर परिषद शाहपुर में जर्जर मकान को चिन्हित करते हुए नोटिस भी जारी किए गए थे, किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया। इस लापरवाही में दोषी पाए गए नगर परिषद शाहपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी धनंजय गुमास्ता और उपयंत्री वीर विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है।